ये है हमारे गेहूं के खेत। हमारी गेहूं इस बार बहुत लेट हो गई थी और मैंने पिछले साल भी भूबीटे का इस्तेमाल किया था, इस साल भी भूबीटे का इस्तेमाल किया है। भूबीटे का इस्तेमाल करने से मुझे खुद एक जो अंतर नजर आता है दूसरे खेतों में, हमारे खेतों में, हमारे खेत में ज़्यादा बुआई भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर ये जो है ना, इसका नरम है खेती, नरम, और गेहूं बहुत अच्छी ग्रोथ की है बिना उसके, बिना कोई यूरिया डीएपी डाले हुए। ये कंडीशन है, इतनी लेट होने के बावजूद भी पौधा बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा इसका क्वालिटी दिख रही है। तो ये AWPL का भूबीटा इस्तेमाल किया था इस खेतों में, इसका करने का नतीजा ये निकला कि बहुत अच्छा। और दूसरा, बहुत खेतों में कई तरह की खरपतवार वगैरह बहुत हो रही है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी पेस्टिसाइड ना डाला जाए, जो इसको खेतों को नेचुरल रखा जाए, नेचुरल तरीके से खेती की जाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को आगे और बढ़ाएंगे, बढ़ा के खेती को ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करके खुद भी स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे और जो बाहर गेहूं बेचेंगे वो भी स्वस्थ होगी, तो घर में खाने के लिए भी स्वस्थ होगी। ये देखो यहाँ पे भी ये गेहूं के पौधे हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इनकी। इतना लेट, हमारी सबसे लेट गेहूं हमारी थी हमारे इलाके के अंदर, लेकिन इसका जो मैंने भूबीटा डाला था, अच्छी क्वालिटी में डाला था, काफ़ी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के भी डाला था, इससे खेतों का जो है ना वो अलग दिख रहा है। लोगों ने यूरिया डीएपी के दम पे लोगों ने उसको बढ़ाने की कोशिश की, मेरा जो ये खेती है नेचुरल तरीके से किया इसको। ऑर्गेनिक